गाइस मेरा तेल गरम हो चुका है और अब मैं इसमें चाप डालूंगी फ्राई करने के लिए। चाकू चाकू से रखना है। जब तक गाइस हमारी चाप फ्राई हो रही है तब तक हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। जब तक ये मैंने हाफ पैकेट कर्ड ली है, छोटा 15 वाला जो पैकेट आता है उसकी हाफ है ये। इसमें मैं पहले स्पाइस ऐड करूंगी, ये 1 स्पून। इसमें मैं 2 स्पून अराउंड पास्ता मसाला डालूंगी और 1 चम्मच ऑरिगेनो। इसके बाद मैं इसमें, और गाइस मैं इसमें 1 स्पून के अराउंड अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। इसमें मैं 1/2 स्पून नमक डालूंगी क्योंकि मैंने पास्ता मसाला भी डाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, तो इसमें ज्यादा नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने बहुत ही कम डालती हूँ इसमें नमक वगैरह। और अब मैं इसमें हल्का सा कलर ऐड करूंगी। गाइस मेरी चाप फ्राई हो चुकी है, अब हम इसकी छोटे छोटे पीसेस करके अब हम इस पेस्ट में डालेंगे। इसका अच्छा कलर आ चुका है रेड कलर में, अब हम इसको पीसेस कट करके डालते हैं इसके बीच में। गाइस ये मैंने चाप मिक्स करके कट करके मिक्स कर लिया और इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच और ऑरिगैनो ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे को स्पाइस लगी है थोड़ी सी कम। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स करूंगी, फिर मैं इस पैन में डालूंगी। इसमें मैंने 1 स्पून ऑयल डाला है और इसमें मैं इसको रख के अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। मैं इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ पानी। गाइस मैं इसको थोड़ी देर के लिए लिड से कवर करके रख दूंगी और बिल्कुल सिम आंच पे मैं इसको सेकूंगी ताकि ये चिपके ना। इसको बीच में हिलाते रहना है बिल्कुल। सी गाइस ये बन रहा है और इसका कलर आ रहा है बीच में थोड़ा थोड़ा। अभी ये और पकेगा तो फिर देखते हैं।
गाइस इसमें आप ऑयल अच्छे से करना लगाना ताकि ये नीचे चिपके ना। मेरा चिपक रहा है क्योंकि मैंने बहुत ही कम यूज किया है ऑयल, तो इसलिए मेरे को बार बार हिलाना पड़ रहा है। अभी हम इसको थोड़ी देर और रखेंगे कवर करके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस मेरा ये बन चुका है, अब मैं इसको पैन में लूंगी, फ्राई पैन में लूंगी जिसमें मैंने इसका मिक्सचर बनाया था। गाइस मैं इसमें 2 चम्मच अब ग्रीन चटनी डालूंगी, फिर उसके बाद मैं ये ऑनियंस डालूंगी इसके अंदर। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। और अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। I'll serve this in this plate. और इसमें अब मैं इसके साथ ग्रीन चटनी सर्व करूंगी। एंड विद दिस ऑनियंस एक मेरे पास दही वाली भी चटनी है और इसमें बिना दही मिक्स करे वाली भी है, तो मैं इसके साथ दोनों चटनी ऐड करूंगी। So this is how our plate looks. अब हम इसको टेस्ट करके बताएंगे। टेस्टिंग के लिए हमारे पास 2 इंच बंदे हैं। Hey guys, we are here to taste the chaat tikka. So let us taste and tell you it is nice or not. Yeah, reviews, add reviews. So मैं थोड़ी चटनी डालूँगी। I don't like it. She likes it. So she's eating again and again. Guys, it is very hot. It's tasty, guys. Delicious. Yes. Very delicious. I love it. Please, I will give 10 out of 10. And I will also give the 10 out of 10 to this chaat tikka. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। I will also give the 10 out of 10 to this chaat tikka. So guys, आज की वीडियो होती है खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज इसको लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को